हमारा जो विषय है रचनात्मक लेखन के विविध आयाम, तो जैसे आप लोग भी पढ़ते ही हैं, वो शब्द ही है कि जो हमको हंसाते भी हैं, जो हमको रुलाते भी हैं, जो हमको गुदगुदाते भी हैं। इसके अलावा कोई माध्यम नहीं कि जो हमको अंदर से कोई भावना को जागृत करे। चाहे आप फिल्म देखें, चाहे आप कहानी पढ़ें, चाहे आप कविता पढ़ें, तो वो शब्द के माध्यम से ही हमारे अंदर उसका एहसास जागृत होता है और हम उसको महसूस करते हैं और शब्द के माध्यम से करते हैं। आप बहुत बार कॉमिक्स भी पढ़ी होगी, आपने कार्टून फिल्में भी देखी होंगी, आप शिनचैन भी देखते होंगे, तो जो गुदगुदाने वाले होते हैं वो शब्द ही होते हैं। शिनचैन भी जो बोलता है या डोरेमोन जो बोलता है, तो वो शब्द ही होते हैं कि जो हमको गुदगुदाते हैं। तो जहाँ तक बात कविता या कहानी की है, उसमें एक तो जो बिंब सुनियाल जी कह रहे थे, क्योंकि मैं एक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक हूँ और बच्चों के साथ में काम करता हूँ, तो जो मेरे अनुभव हैं वही मैं आप लोगों से साझा करूँगा जो मैं महसूस करता हूँ। तो वो उन शब्दों को या उन प्रतीकों को, उन प्रतिबिंबों को हम कैसे कहानी कविता में लाते हैं, वो आप दोनों लोगों ने बात की। तो थोड़ा बात करूँगा, क्योंकि न मैं लेखक हूँ न मैं कवि हूँ, लेकिन मैं पाठक हूँ। और मैं थोड़ा अलग बात करूंगा लिखने को लेकर के। अभी बहुत सारी चीजें भी कविता लिखने को लेकर के, कहानी लिखने को लेकर के, मैं थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे स्थापित जो आदर्श हैं, हम बहुत सारी चीजों को एक बहुत सटीक सांचे में ही देखते हैं। मेरे पिताजी ने भी वैसे ही देखा होगा, मेरी माँ ने भी वैसे ही देखा, मेरे परदादा ने भी वैसे ही देखा होगा, मेरे दादा ने भी वैसे ही देखा। हम अगर रामलीला की बात करें तो एक फिक्स फ्रेम में देखते हैं, समझते हैं। महाभारत की हम अगर बात करते हैं तो एक बहुत ही फिक्स फ्रेम में समझते हैं। हम जो आदर्शों को देखते हैं या जिन प्रतीकों को लेते हैं, एक बहुत सटीक सांचे में ही लेते हैं और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। हम जब रचनात्मकता की बात करते हैं तो रचनात्मकता का मतलब होता है कि हम नए सृजन को करें, नई चीजों को जाने समझें और समाज इसी तरह से आगे बढ़ता है, नई चीजों का सृजन करें। इस सृष्टि का सृजन भी ऐसे करके हुआ, हम आज जो बंदर से आज आदमी तक हम बने हैं वो नए सृजन से ही बने हैं। आप भी विज्ञान में भी पढ़ते होंगे, समाज में भी पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ तो शापित है और ये तो भूत है, अपने सारे गाँव को खा जाए, वो गाँव में जाता है। लेकिन उसके बाद सवाल हुआ उसमें, चिपका पर चिपका कैसे, उसकी खोज भी, फिर सैकड़ों साल बाद पता चला ये क्या है, चुंबक है और चुंबक कैसे काम करता है। तो ये जो सवाल हैं आपके मन में आने चाहिए, और ये जब तक आपके मन में ये सवाल नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नया सृजन या नई रचना को जन्म नहीं दे सकते। अगर हम नई रचना को जन्म नहीं दे सकते तो हमारे सामने नई चीजें भी नहीं पैदा होंगी। मैं एक चीज आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, आपको भले ही, और ये चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की, नेशनल बुक ट्रस्ट की एक किताब है, और आप जानते ही होंगे कि बच्चों के लिए जो नेशनल बुक ट्रस्ट जो किताबें छापता है, इसमें एक अलग सी कविता है। और मैंने जिस दिन पहले दिन पढ़ी थी है, तो मुझे लगा शायद ये बच्चों के साथ नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे मन में कहीं होता था कि नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक, तो क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, हो सकता है कि आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगे, लेकिन फिर भी नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब है, इसमें ये कविता है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बात है इसमें। इस बारे में शायद आप लोगों से कभी बात हुई, गुरुवचन सर भी शायद आए हुए, उनका सेशन कल या परसों में होगा, तो मैंने उनसे बात की थी, लेकिन मैंने उनके सामने ये कविता बताई थी, लेकिन मैंने उनसे पूछा था। आप जानते हो कि गुरुवचन जी जो है बाल साहित्य में बड़ा नाम है हिंदुस्तान में और पूरे उसमें, तो जब मैंने ये कविता पढ़ी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे कहा भी, उनका सर मुझे लगता है कि एक कविता ऐसी है कि जो इसमें नहीं बढ़ा, उन्होंने कहा कि कौन सी, मुझे उस समय याद नहीं थी। तो मैं वो कविता यहाँ पे पढ़ता हूँ, तो शायद आपको लगे कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है या क्या है। तो एक कविता है इसमें, क्योंकि मैं जो आदर्श की बात कर रहा हूँ, बहुत बार जो है बच्चों के सामने भी अपने समाज में जो पीढ़ियों से सदियों से चले हुए जो स्थापित जो आदर्श हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं और उन्हीं को लेकर के बिंब लेते हैं, प्रतीक लेते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारी कहानी कविता सारी चलती है। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ, आप भी बोलेंगे मेरे साथ में और बोलते हुए सोचे भी। बेहद दंदा फंदा है, बेहद दंदा फंदा है, बेहद दंदा फंदा है,
लड़का सचमुच गंदा है, लड़का सचमुच गंदा है, बेहद दंदा फंदा है, बेहद दंदा फंदा है, लड़का सचमुच गंदा है, लड़का सचमुच गंदा है, हंसता है तो ऐसे जैसे, हंसता है तो ऐसे जैसे, आसमान का चंदा है, आसमान का चंदा है, रोता है तो ऐसे जैसे, रोता है तो ऐसे जैसे, और नहीं कुछ धंधा है, और नहीं कुछ धंधा है, चुप करने की हर कोशिश पर, चुप करने की हर कोशिश पर, देता फिर ये रंदा है, देता फिर ये रंदा है, लड़का सचमुच बंदा है। इसकी बात हम छोड़ देते हैं, ये कविता है जिन्होंने लिखी है क्योंकि नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब में है, तो इसलिए हमको इसको वो सम्मान देना चाहिए। लेकिन मैंने जब इसको पढ़ाना छोड़ा या इनके साथ बच्चों के साथ में बोलना छोड़ा, तो एक दिन क्या होता है कि कक्षा एक की 3-4 बच्चियां हैं, 6 साल के लगभग की, वो करीब 6 महीने बाद इस कविता को बोल रही हैं। वो क्या बोल रही हैं कि सागर हमारे स्कूल में एक बच्चा है, सागर सचमुच गंदा है। रचनात्मकता मुझे उस दिन समझ में आई, सागर सचमुच गंदा है, चलता है तो ऐसे जैसे, पेट इसका नंगा चलता है तो ऐसे जैसे, पेट इसका नंगा। असल में क्या है उसकी, तो 2 बटन, अब सरकारी स्कूल में क्या होता है, 2 बटन है ऊपर के सिर्फ, बाकी तो सारे नीचे टूटे हुए हैं। स्वेटर भी अगर है तो ये इतनी ऊपर है, और वो हमेशा ही ऐसे चलता था, हमेशा ऐसे चलता था। उन्होंने इस कविता को कहां जोड़ दिया, बच्चे पे। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से उसके बटन भी लग गए, वो भी सब अंदर हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जबकि हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि बटन लगा लो, इसको ठीक कर लो। तो उन्होंने इसको कैसे बना दिया, बच्चों ने, एक कक्षा एक के बच्चों ने कैसे बना दिया, सागर सचमुच गंदा है, चलता है तो ऐसे जैसे, पेट उसका नंगा। तो अब ये क्या है, उनकी रचनात्मकता है। तो जरूरी नहीं कि हम सारी चीजों को बहुत ही इन चीजों में देखें, और आपके मन में जो भी सवाल आते हैं या आपके साथ में जो भी चीजें घटित होती हैं या आपके सामने जो भी चीजें दिखती हैं, तो उसको हर नजर से देखने की कोशिश करो और सवाल करो, अपने आप से भी, अपने मन से भी, अपने आसपास से भी सवाल करो, और उसके सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करो। और चाहे वो कविता आप रचे, चाहे वो आप कहानी रचे, चाहे उसके अलावा भी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे यहाँ पे जो लोक कथाएं होती थी, उन लोक कथाओं का क्या हो गया है, ना हम उसको आगे तक बढ़ा पा रहे हैं, ना हमारे घर परिवार से वो चीजें हैं, क्योंकि उसकी जगह जो है आज किसने ले ली, टीवी ने ले लिया उसकी जगह, टीवी ने ले लिया। हम आपस में बात या संवाद जो हम लोगों के बीच में है, घर में दादा नानी की जो कहानियां हैं, जो किससे कहानियां हैं, आप उनसे खूब बात करें, उन खूब सवाल करें, आपको खूब अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, खूब अच्छी अच्छी जानकारियां उनसे भी मिलेंगी। एक चीज मैं ये कह रहा था कि जब हम इन चीजों को रचने की कोशिश करें, तो जरूरी नहीं कि एक ढांचा तक उसमें ही इसका हम समावेश करें। ये जो है, जो किस्से हैं, बहुत सारी चीजें जो किस्सा कोई एक बहुत अच्छी विधा है। जरूरी नहीं है कि हम उसको कहानी के रूप में ही देखें, कविता के रूप में ही देखें, हमारे पास में और भी चीजें हैं इन सब चीजों के लिए, सृजन करने के लिए, रचना के लिए। हम किस्सों को गढ़ सकते हैं। कई बार आप अपने साथियों के साथ में फिल्म देखते हैं कुछ और, या करते हैं कुछ और, और किस्सा कहानी बनाते हैं कुछ और बता देते हैं, होता है ऐसा या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है? तो यहीं से किस्से कहानियों से ही कहानी जन्म होता है एक अच्छे किसका, रचना, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो, यहां से शुरुआत होती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अगर उसको करते हैं तो किस्सों से भी आप जो है, चाहे अपने दोस्तों के हो अपने हो, तो उसको गढ़ें, आप आगे बढ़ाएं, तो यहीं से नई चीजों का सृजन होगा। धन्यवाद।